खबरें हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी और बीजेपी को बढ़त लगातार बरकरार है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रुझानों से उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा का बड़ा दावा, जहां उन्होंने कहा कि सुनील सोनी के 50,000 से अधिक वोटों से जीत का उन्होंने दावा किया है। तो जीत के लिए आश्वस्त, साथ ही 50,000 से अधिक वोटों के साथ जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं भाजपा नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा। देखिए, दक्षिण का रण जहां बीजेपी का एक गढ़ मानी जाती है ये सीट, और यहां पर बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि कांग्रेस भी तमाम दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में रुझानों को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर जो है विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और महासमुंद से देखा गया है कि किस तरीके से जो है गद्दावर नेता के रूप में भी वो हमेशा नजर आए हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लीड जो है वो भाजपा की तरफ जा रही है? देखिए, सिर्फ रायपुर दक्षिण या छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एक प्रकार से विस्फोटक वोटों से जीत रही है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दक्षिण विधानसभा हो, चाहे देश में, जिस प्रकार से लोगों के भावनाओं का भी आदर भारतीय जनता पार्टी ने किया और विकास की राजनीति भी की है, ये दोनों के कारण भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में विस्तारित हो रही है और लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। देखा गया कि जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी जी पर निष्क्रियता के कई आरोप लगाए गए, और उसके साथ जो है कई वीडियोज भी वायरल किए गए उनका, उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आरोप लगाया गया उसका जवाब तो आज का रिजल्ट है कि लगभग 50,000 वोटों से सुनील सोनी जी जीत रहे हैं। तो जो लोग ये आरोप लगाते थे उनको ये जवाब है कि जनता उन आरोपों पर विश्वास नहीं करती है, उनकी सक्रियता, उनकी सहजता, उनकी ईमानदारी जो है उसको जनता स्वीकार कर रही है। इसके पहले हमने देखा कि जब मतगणना नहीं हुई थी, शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले कांग्रेस जोरों शोरों से कॉन्फिडेंस से दावा कर रही थी, लेकिन अब जो है उनके जो देख सकते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोगों में ना तो एकजुटता है, ना उनका कोई उद्देश्य है, ना कोई उनका लक्ष्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, उनका लक्ष्य है, उनका उद्देश्य है, और जनता उसको स्वीकार करती है। कांग्रेस के लोगों में चाहे भीतराघात हो, चाहे एक दूसरे को पटकनी देने की जो प्रवृत्ति है वो भी है, साथ में कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई है उसका असर जो है जनता पे हो रहा है। जनता चाहती है कि राजनीति में किसी भी धर्म को महत्व नहीं देना चाहिए, सारे लोगों को बराबर महत्व देना चाहिए, और तुष्टीकरण की राजनीति जो है इस देश से समाप्त होनी चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विमल चोपड़ा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है एकजुट होकर संगठन में काम करती है, वही कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही थी मतगणना के पहले, जो दावे कर रही थी, दावों की राजनीति हमने देखी किस तरीके से हुई, जोरों शोरों से जो है कहा गया कि उन्हीं की सरकार बन रही है, भाजपा की ओर से भी कहा उनकी सरकार बन रही है, जो दावे कांग्रेस ने किए थे अब वो धीरे धीरे धुंधले होते नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी बृजमोहन अग्रवाल के मैदान से हटने के बाद, उनके सांसद बनने के बाद देखा जा सकता है कि रायपुर दक्षिण की जनता ने फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जो है अपना विश्वास जताया, जो प्रत्याशी सुनील सोनी है उन पर विश्वास जताया।